चाय में दूध कम चीनी ज्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज्यादा, अरे चाय में दूध कम चीनी ज्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज्यादा, सारा मजा हो गया किरकिरा, सारा मजा हो गया किरकिरा, अरे चाय में दूध कम चीनी ज्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज्यादा, अरे बीबी मेरी जब भी झगड़े, अरे बीबी मेरी जब भी झगड़े, चट गुस्सा ना इलायची ना अदरक डाले, फिर वही पुराने किस्से, चाय में दूध कम चीनी ज्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज्यादा। और हमारे थिएटर में जो है मतलब बहुत सारी विधाएं हैं और थिएटर की ये देन है, मैं उसको मतलब दिल से नतमस्तक करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमने बीसलपुर में थिएटर शुरू भी किया था और मैं मतलब इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक ऑडिटोरियम होना चाहिए जिससे यहाँ के नए युवा हैं उनको सीखने का मौका मिले, जिससे कि मैं शाहजहानपुर में जाके मैं थिएटर मैंने सीखा वहाँ पर, और थिएटर बहुत कुछ देता है, थिएटर की वजह से आज मैं इतनी सारी फिल्में कर पाया हूँ, जो नेशनल इंटरनेशनल मुझे एक रिकॉग्निशन मुझे मिला है। तो वहां पर एक पंक्ति है दिया के ऊपर, मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया, मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया, जल दिया तो अंधेरा बोला, जल दिया जल दिया, मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया, मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया, जल दिया तो अंधेरा बोला, जल दिया जल दिया, सूरज बोला मेरे बाप, बताइए इनके पिताजी कितने खुशी की बात है, सूरज अगर नहीं होगा तो उजाला कौन कौन करेगा, सूरज बोला मेरे बाप उजाला कौन करे आबाद, मैंने छाती को फुला के ये जिम्मा ले लिया, मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया, दिया बोलता है मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया, जल दिया तो अंधेरा बोला, जल दिया जल दिया, मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया, और कोई थाल में जलाए, कोई कब्र पे जलाए, कोई थाल में जलाए, कोई कब्र पे जलाए, मुझे जहां भी जलाया मैं वहीं जल दिया, मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया, मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। वाह, तो ये मतलब हमारी थिएटर की देन है, और यहाँ पर समय लीजिए मला पर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज, लेकिन आप देखिए क्या है, थिएटर ने हमको दिया थोड़ा थोड़ा सारी विधायक को आती है, लेकिन जो आप लोगों का आज काम था हमें आपको सुनने का मौका मिला, मैं यहाँ पर मतलब 2008 में मैं मतलब लखनऊ चला गया था, उससे पहले मैंने कब सम्मेलन देखे, मैं रामलीला जाया करता था और मैं वहां पर दूर से खड़े होकर आप लोगों को देखता था सुनता था, तो मुझे इतना करीब से मतलब आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों को सुनने का मौका मिला, और मैंने मतलब पूरी तल्लीनता से मैंने आप लोगों को सुना, जैसे भी 15 दिन पहले एक आर्मी जवानों के ऊपर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं गया था और दिलीप शुक्ला जी जो दबंग फिल्म के राइटर हैं, जिन्होंने दामनी मोहरा घायल ऐसी फिल्में लिखी हैं, तो हम लोग गए थे, तो वहां पर हमने आर्मी के जवानों के बारे में हमने उनको करीब से जाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पैर कटे थे, हाथ नहीं था, और सबने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हुई हैं,
तो हमने आपको सुना, हमें आपको मौका मिला जानने का, हमने उनको सुना, तो ये प्रभु की कृपा है। तो हमें आप लोगों से प्यार मिलता रहता है, आप लोगों से सीखने का मौका मिलता रहता है, और ऐसे ही सीखने का मौका मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe. Thank you, friends. प्रस्तुति